पंजाब में कौन कौन सा जिला जो चुना गया है और लुधियाना जो चुना गया है, उसमें किस तरह से आप वैक्सीनेशन की स्टार्ट होगा? पंजाब के अंदर दो ज़िले जो हैं जिनमें लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर, इन दो ज़िलों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। ड्राई रन जो होना उसका डे ज़ीरो होगा 27th को, संडे वाले दिन, 28th मंडे डे वन और 29th ट्यूसडे डे टू होगा। ड्राई रन का मतलब ये है कि हम कुछ लोकेशंस के ऊपर वैक्सीन के बगैर, डमी वैक्सीन के साथ एक बार ये पूरी अपनी टीम्स को ले जाके और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स जिनकी हमने कर रखी है रजिस्ट्रेशन, हर लोकेशन के ऊपर 25-25 हमारे हेल्थ वर्कर वो आएंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो उस दिन वहाँ पे जो वैक्सीनेशन होनी है, हर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जैसे वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 से लेकर 5 तक 5 ऑफिसर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 बाहर सिक्योरिटी वाले होंगे जो कि चेक करेंगे कि इनका नाम लिस्ट में है कि नहीं। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होंगे। और वैक्सीनेशन होने के बाद, वैक्सीनेशन के दौरान पहले ऑनलाइन चेक किया जाएगा। पहले तो बाहर चेक होगा कि इनका नाम लिस्ट में है कि नहीं। फिर जब वो अंदर चले जाते हैं उसके बाद कंप्यूटर के अंदर उसकी सर्च होगी और वैक्सीनेशन होने के बाद उसको टिक किया जाएगा। और टिक होने के बाद आधे घंटे पेशेंट को वेट करना पड़ेगा। सो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ड्राई रन है इसमें अभी एक्चुअल वैक्सीन नहीं आई है, पर इसमें हमारी जो टीम्स हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज वैसे ही करेंगी। वैसे ही बंदा जाएगा, नाम चेक होगा, कंप्यूटर में एंट्री होगी और उसके बाद आधा घंटा वेट करेगा, जाएगा। और ये ड्राई रन का मेन मकसद, आपका जो अगला सवाल आने वाला है कि इसका मकसद क्या है, उसका मकसद यही है कि जब ये वैक्सीन आनी है तो क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, चरणों में होगी, इससे संभावना ये बन जाती है कि जिन जिलों में ये ड्राई रन हुआ है तो पहले चरण में यहाँ पे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि हमने पूरी अपनी कोल्ड चेन को मेंटेन कर लिया है 67 लोकेशंस पे और 805 हमारी सर्विस लोकेशंस हैं जिन पे कि एक्चुअल टीका लगना है। तो एक तरह से उसके लिए पहले से ही एक हमारी एक्सरसाइज है।